नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम अपनी चर्चा करेंगे लोकसभा पर। लोकसभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के संबंध में चर्चा की गई है। इसकी संरचना के बारे में बताया गया है। लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 543 सदस्य हैं। पहले दो सदस्य एंग्लो इंडियन के रूप में भी चुने जाते थे, जिसे 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से खत्म कर दिया गया। पहले इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले 545 सदस्य लोकसभा में होते थे, पर वर्तमान में कितने हैं? 543 सदस्य लोकसभा के अंतर्गत हैं। अब ये बात आती है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, ये चुने कैसे जाते हैं? ये चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से। प्रत्यक्ष यानी कि आप और हम, जनता इनको क्या करती है, चुनती है इन 543 सदस्यों को। पूरे भारत को 543 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और वहां से ये 543 सदस्य चुने जाते हैं। जिस सिस्टम से चुने जाते हैं उसे कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या अग्रता ही विजेता। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या अग्रता ही विजेता सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो सर्वाधिक वोट पाएगा वह चुनाव जीत जाएगा। ऐसा यह नियम कहता है कि जितने कैंडिडेट उस पर्टिकुलर क्षेत्र से लड़ रहे हैं चुनाव, अगर उनमें से जो सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा वह क्या होगा, चुनाव जीत जाएगा। अब यह सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं क्या यह अग्रता ही विजेता सिस्टम या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, इसका संविधान में उल्लेख है? इस अग्रता ही विजेता का संविधान में क्या उल्लेख है? जैसे कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव के समय देखा था कि एकल संक्रमणी अनुपातिक गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यह संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। पर लोकसभा के 543 सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से चुने जाते हैं, उनका चुनाव अग्रता ही विजेता फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होगा, क्या यह संविधान में कहीं उल्लेखित किया गया है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये एक सिस्टम है, प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनेगी और जो सबसे ज्यादा वोट पा जाएगा वह जीत जाएगा। यह प्रत्यक्ष चुनाव में होता है इस प्रकार से। बट अग्रता ही विजेता होगा या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से ही ये चीजें होंगी, यह संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। हमारे यहां चुनाव प्रपोज रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत होते हैं और वहां पर इस बात का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए अब अगली बात देखते हैं हम। अगली बात है कि लोकसभा के उम्मीदवार की योग्यता क्या होगी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 84 में योग्यता के संबंध में बात की गई है और यहां क्या लिखा गया है, देखिए संविधान में तीन बातें लिखी गई हैं। सबसे पहली बात, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात लिखी गई है कि 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। देखिए लोकसभा के केस में उम्र सीमा क्या है, 25 वर्ष की। और तीसरी बात लिखी गई है कि इस संबंध में, इसकी योग्यता के संबंध में, संसद जो भी नियम बनाएगी तो संसद के बनाए गए नियमों के अनुसार उसकी योग्यताएं तय होंगी। ये दो योग्यताएं स्पष्ट रूप से बताई गई हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए और संसद जो भी नियम बनाएगी उसके अनुसार इसकी योग्यता होगी। अब देखिए अनुच्छेद
83 में बताया गया है कि लोकसभा जो होगी, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल लिखा गया है 5 वर्ष होगा यदि इसका विघटन नहीं किया जाता तब की कंडीशन में। एक लोकसभा का, राज्यसभा का कार्यकाल हमने देखा था स्थायी सदन है, वो कभी विघटित नहीं होगा, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा और इसका कार्यकाल विघटन कर सकते हैं, यानी इसका कार्यकाल कम किया जा सकता है, 4 वर्ष भी हो सकता है, 3 वर्ष भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है, अर्थात लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। तो ये दो बातें याद आप रखेंगे। अब यदि आप में से एक से क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे एक कि लोकसभा का कार्यकाल हम क्या कर रहे हैं, विघटन जब होता है तो उसका कार्यकाल कम हो जाता है, तो क्या लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है? लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, क्या लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है? कब? पहला ऑप्शन, वृद्धि नहीं की जा सकती, वृद्धि नहीं की जा सकती, नहीं। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, या राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, या संविधान इस संबंध में मौन है, संविधान इस संबंध में मौन है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, हमने कहा लोकसभा भंग की जा सकती है, विघटित की जा सकती है, उसका कार्यकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर क्या लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? 5 वर्ष की जगह क्या 6 वर्ष, 7 वर्ष ऐसा किया जा सकता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए क्या कर सकते हैं? आप इसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जाती है, और यह वृद्धि कब की गई थी? 1971 के चुनाव के बाद, 1976 में क्या होना था, 5 साल कंप्लीट होने थे, लेकिन लोकसभा 1976 में विघटित ना होकर 1977 में विकसित की गई थी, और इस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी, तो इसको भी आप याद रखेंगे लोकसभा के संबंध में। अब आगे देखते हैं, लोकसभा के संबंध में आपने एक बात सुनी होगी, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होते हैं, वो क्या कराते हैं? जब भी नई लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा का जब गठन होता है तो नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, और उस सदन की क्या करते हैं? वो अध्यक्षता करते हैं। नया सदन लोकसभा का हुआ उसे अध्यक्षता करेंगे और नए सदस्यों को क्या करेंगे? नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। अब देखिए, इस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जो भी ज्येष्ठतम सदस्य होते हैं लोकसभा में, उनमें से किसी एक को वो प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। प्रश्न ये है कि क्या प्रोटेम स्पीकर के संबंध में संविधान में उल्लेख किया गया है, संविधान में उल्लेख है या नहीं? आप हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान के इस अनुच्छेद में है। अब मैं यहाँ 3 से 4 अनुच्छेद लिख दूं और एक ऑप्शन लिख दूं, इनमें से कोई नहीं, तो इस आधार पर आपको पता होना चाहिए कि क्या भारत के संविधान में प्रोटेम स्पीकर के बारे में चर्चा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में कहीं भी प्रोटेम स्पीकर की चर्चा नहीं की गई है, भारत के संविधान में नहीं है। यह परंपरा के आधार पर प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं, जो पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं, सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, और जब तक लोकसभा अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन लेती,
नया अध्यक्ष नहीं चुन लेती तब तक वो क्या करते हैं, लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे प्रोटेम स्पीकर के संबंध में। एक बात और जो लोकसभा के संबंध में खास है वह यह है कि लोकसभा में सरकार जो बनती है, सरकार हम कहते हैं सरकार का गठन हुआ, भारत की सरकार, केंद्र सरकार, सरकार जिस भी पार्टी या पार्टियों को लोकसभा में बहुमत होता है, देखिए राज्यसभा में बहुमत से नहीं, लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करेगा वही सरकार बनाएगा, प्रधानमंत्री या मंत्री वे लोग होंगे जिनका लोकसभा में बहुमत होगा। अब लोकसभा में बहुमत जिनका होता है वो लोग ही सरकार बनाते हैं। अब बात आती है लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। देखिए विश्वास प्रस्ताव ये सरकार यह बताती है कि लोकसभा में उसके पास क्या है, विश्वास मत हासिल किया हुआ है उसने। अविश्वास सरकार यह कौन लाएगा, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अब प्रश्न आपसे ये बनता है कि जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो कितने सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, तो इसको आप बता सकते हैं कि 50 सदस्यों के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं कि जो 50 सदस्य होते हैं वे कहां से होते हैं, लोकसभा से, केवल लोकसभा से या राज्यसभा से केवल, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। अविश्वास प्रस्ताव 50 सदस्यों के प्रस्ताव के माध्यम से लाया जा सकता है। अब ये 50 सदस्य कौन होंगे, केवल लोकसभा के होंगे, केवल राज्यसभा के होंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सरकार जो बनती है वह बनती है लोकसभा के बहुमत से, लोकसभा के बहुमत से। इसलिए केवल ये जो 50 सदस्य होंगे ये क्या होंगे, लोकसभा से होंगे। ये सदस्य कहां से होंगे, लोकसभा से होंगे। लोकसभा के सदस्य ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, जबकि सरकार में, सरकार में लोकसभा, राज्यसभा या जो सदस्य नहीं हैं वे भी शामिल हो सकते हैं। इनको 6 माह के अंदर इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। सरकार बनते समय लोकसभा, राज्यसभा और जो सदस्य नहीं है वह भी सरकार में शामिल हो सकता है, लेकिन ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा वह केवल लोकसभा के द्वारा लाया जाएगा और लोकसभा के 50 सदस्य इस तरह के प्रस्ताव को ला सकते हैं। तो इन दोनों बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली बात है हमारी संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 कहता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। तो सबसे पहली बात, यह संयुक्त बैठक कब होती है, तो लोकसभा और राज्यसभा, एक बिल है जिसे लोकसभा ने पास कर दिया और उस बिल को यदि राज्यसभा पास नहीं कर रही है, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, लोकसभा ने उस बिल को पास कर दिया लेकिन राज्यसभा उसमें कुछ संशोधन कर रही है और जिस संशोधन से लोकसभा सहमत नहीं है। और तीसरी कंडीशन, लोकसभा ने वह प्रस्ताव पास कर दिया है, वह बिल पास कर दिया है लेकिन 6 माह तक राज्यसभा में इस पे क्या नहीं हुई, चर्चा ही नहीं की गई। राज्यसभा ने 6 माह तक इस बिल पर कोई चर्चा नहीं की। इस कंडीशन पे राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
बुला सकते हैं। देखिए, अगर कोई प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि सरकार का वहां बहुमत नहीं है, तो इस कंडीशन में तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत हो यह जरूरी नहीं है, लोकसभा में उसका बहुमत होना जरूरी है। तो लोकसभा में वो क्या कर रहे हैं, वो बिल को पास करा ले रहे हैं, लेकिन वह राज्यसभा में रुक रहा है, या राज्यसभा उसमें किसी प्रकार का संशोधन कर रही है, या राज्यसभा उस पर 6 माह तक चर्चा ही नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अब देखिए, संयुक्त बैठक के संबंध में यह है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के दो अध्यक्ष होंगे, वही क्या करेंगे, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बातें हमें पता है। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो लोकसभा की संयुक्त बैठक होगी, अगर संयुक्त बैठक हो रही है, तो इस संयुक्त बैठक में जो बिल है वह किस बहुमत से पास होगा, बिल किस बहुमत से पास होगा? कुल सदस्यों के, दोनों सदन बैठ रहे हैं तो दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत से, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत से, या फिर दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या फिर दोनों सदनों के उपस्थित प्रेजेंट और वोट करने वालों के 2/3 से, या फिर दोनों सदनों के प्रेजेंट और वोट करने वालों के बहुमत से। देखिए, 4 कंडीशन है। संयुक्त बैठक हो रही है, संयुक्त बैठक में कोई बिल किस प्रकार से पास होगा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत से, कुल के बहुमत से, या दोनों सदनों के कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत से, या दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से, या फिर दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होगा। आप कमेंट बॉक्स पे आंसर अपना कर सकते हैं। देखिए, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा यह, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। केवल इतनी सी बात है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। आप लोगों को लगता है जहां पर भी उपस्थित और मतदान करने वाला आया वहां पर 2/3 आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये तीनों गलत हैं। सही क्या है, उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों के बहुमत से क्या होता है, यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। देखिए, संयुक्त बैठक जो होती है यह संविधान संशोधन में तो होगी नहीं, अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो इसको दोनों सदनों में अलग अलग पास कराना पड़ता है, इस पर संयुक्त बैठक हो नहीं सकती। धन विधेयक पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि धन विधेयक पर पूर्ण शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास है। सामान्य विधेयक जो होते हैं, जो सामान्य विधेयक हैं, इन्हीं में क्या होगा, संयुक्त बैठक होगी। और सामान्य विधेयक पास कैसे होते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। तो जब संयुक्त बैठक होगी तब पर भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से ही यह बिल क्या होगा, पास हो जाएगा। और कुछ बातें जो लोकसभा के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे हम बात कर रहे थे धन विधेयक के बारे में। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 कहता है कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, राज्यसभा में पहले नहीं लाया जाएगा। और तो कहां लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। और राज्यसभा को इसको, धन विधेयक को 14 दिन के अंदर क्या होना करता पड़ता है, पास करना पड़ता है। ठीक, तो लोकसभा के पास क्या है,
धन विधेयक को पास करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा के पास है। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ये बताएंगे कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, और इनका जो निर्णय होता है वह अंतिम होता है। ये किसी विधेयक को अगर कहते हैं कि धन विधेयक है तो उसे धन विधेयक मान लिया जाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। एक बात और है लोकसभा के विशेष शक्तियों के आधार पर कि लोक जब आपातकाल लगा हो, जब आपातकाल लगा हो, आपातकाल के समय अगर इस आपातकाल को हटाना है तो राष्ट्रपति चाहे तो अपने आदेश से हटा सकते हैं, राष्ट्रपति के आदेश से यह हट जाएगा, या फिर एक माह के अंदर, देखिए आपातकाल लगा दिया गया लेकिन एक महीने के अंदर वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो हट सकता है, या फिर लोकसभा के 1/10 सदस्य ऐसा प्रस्ताव लेके आए लोकसभा में कि हमें आपातकाल हटाना है, और ऐसा प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से अगर पारित हो जाता है लोकसभा में तो आपातकाल क्या होगा, हट जाएगा। तो ये प्रस्ताव जो राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने का प्रस्ताव 1/10 सदस्य जो ला सकते हैं, वे सदस्य कहाँ से होंगे? ये सदस्य होंगे लोकसभा के, ये सदस्य कहाँ से होंगे? लोकसभा के होंगे। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रख देना है। एग्जामिनर आपसे इन्हीं बिंदुओं पर गलतियां कराने का प्रयास करता है, तो हम आगे भी इस तरह की बातों को और देखते रहेंगे। धन्यवाद।